बेटा जी, तुम मेरी बात नहीं सुनते। मैं चिल्लाती रहती हूँ और तुम कोई भी बात नहीं मानते। तुम खेल कूद में इतने मसरूफ रहते हो कि अपने बाप की बात नहीं मानते। क्या मैं करूँ, अब चुकी हूँ तुम्हें समझा समझा कर। मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम्हें किस तरह समझाऊँ। देखो बेटा, तुम्हें साफ सुथरा रहना चाहिए और हर वक्त खेल कूद के बजाय कुछ टाइम पढ़ाई को भी देना चाहिए। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम बड़े होकर एक अजीम इंसान कैसे बन पाओगे। देखो, पढ़ाई पर ध्यान दो और दूसरी बात, तुम साफ सुथरे रहो ताकि तुम्हें सब प्यार करें और जो भी तुमसे मिले उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े और वो तुम्हें पसंद करे। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा तो तुम्हारा शुमार भी गंदे बच्चों में हो जाएगा। तुम्हें जेरी पसंद है, तुम भी जेरी की तरह साफ सुथरे रहा करो। देखो टीवी में जेरी किस तरह अपने आप को साफ कर रहा है और खुश होकर नहा रहा है। तुम्हें भी चाहिए इसकी तरह नहा धोकर साफ सुथरे रहा करो। और फिर अगर तुम भी इसी की तरह साफ सुथरे रहोगे तो तुम्हें भी सब पसंद किया करेंगे जिस तरह सब इसे पसंद करते हैं। ओह, जरी तो नहा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी नहाऊंगा। तो फिर ठीक है, तुम जाओ और जाकर नहाओ और साफ सुथरे बच्चे बच्चे बनकर वापस आओ और फिर अपनी स्टडी पर ध्यान देना। मैं तो नहाऊंगा, जरी जैसा बन जाऊंगा, सर पर शैम्पू लगाऊंगा। मैं तो नहाऊंगा, तेरी जैसा बन जाऊंगा, शावर को चला के नीचे झुक जाऊंगा। मैं तो नहाऊंगा, जेरी जैसा बन जाऊंगा, साबुन को घिसाऊंगा और पानी चलाऊंगा। मैं तो साफ होके जेरी जैसा बन जाऊंगा। वैसे अम्मा ठीक ही कहती हैं, नहाना चाहिए। अम्मी की बात मुझे मान लेनी चाहिए। अब मैं टीवी भी देख रहा हूँ, फिर भी अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे अपनी माँ की बात माननी चाहिए और दूसरे बच्चों को भी। इस तरह हमारा फ्यूचर ही तो बनेगा। अगर हम माँ बाप की बात मानेंगे तो बड़े आदमी बनेंगे और हमारा नाम होगा, एक मकाम बनेगा। आज तो मैंने खूब स्टडी कर ली, बहुत दिल लगा कर पढ़ा और बहुत मज़ा भी आया। मामा की बात मानकर फ़ायदा ही हुआ और इंजॉय भी किया टीवी देखकर। हमें वैसे माँ बाप की बात मान लेना चाहिए। आज के बाद मैं तो अपने माँ बाप की बात मानूँगा, जो भी वो मुझे सिखाएंगे और समझाएंगे। अब रात हो चुकी है, सुबह स्कूल जाऊंगा और दोस्तों को भी समझाऊंगा कि वो भी अपने माँ बाप की बात माना करें ताकि वो अपने माँ बाप से खुश हों और माँ बाप उनसे खुश हो और फिर माँ बाप भी उनसे उतना ही ज़्यादा प्यार करेंगे और उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी करेंगे और तमाम ख्वाहिशों का एहतराम करेंगे।
अब रात तो बहुत हो चुकी है, मुझे सोना चाहिए। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने मुझे इतने अच्छे माँ बाप अता फरमाए।